अस्सलाम वालेकुम। रहबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अकोला में आपका खैर मकदम है। आइए आज हम देखते हैं क्लास हफ्तम की नज़म नंबर 11 आज ईदगाह में, जिसके शायर हैं नज़ीर अकबरावादी। प्यारे बच्चों आइए देखिए पेज नंबर 40। आइए देखते हैं इस नज़म की पहली बात। पहली बात को जानने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बात, हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ मुख्तलिफ ज़बान बोली जाती है और मुख्तलिफ मज़हब के लोग मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं। दिवाली में हर तरफ रोशनी की जाती है और मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं। होली में रंगों का छिड़काव होता है, सब लोग मिलजुल कर त्यौहार का लुत्फ उठाते हैं। इसी तरह ईद मुसलमानों का त्यौहार है। इस त्यौहार पर लोग ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और घर आकर शीरखुरमा पीते हैं। बच्चों को ईदी दी जाती है, लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। आइए देखते हैं जान पहचान। नज़ीर अकबर आबादी 1740 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए तो नज़ीर अकबर आबाद आगरा चले आए। नज़ीर हिंदुस्तानी तहजीब के दिलदादा थे। उन्होंने अपनी शायरी में मेलों ठेलों, फलों फूलों, ज़िंदगी की ज़रूरतों और छोटी बड़ी तमाम चीज़ों को मौजू बनाते हुए मकबूल आम शायरी की। इसीलिए उन्हें अवामी शायर कहा जाता है। रोटी की फ़िलासफ़ी, बंजारा नामा, आदमी नामा, कलजुग वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। उनकी बाज़ नज़मों में तौसुफ़ और भक्ति की भी झलकियाँ मिलती हैं। 16 अगस्त 1830 को आगरा में उनका इंतकाल हुआ। प्यारे बच्चों इस नज़म को हमारे साथ आपको दोहराना है। पहले गौर से सुनेंगे, उसके बाद आपको गाना है। तो इस नज़म की तो बहुत सारी तर्ज़ हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक तर्ज़ बता रहे हैं। है धूम आज मदरसा व खान का हमें, ताते बंधे हैं मस्जिद जामा की राह में। गुलशन से खिल रहे हैं हर एक कुज कुला हमें, सौ सौ चमन चमकते हैं एक एक निगाह में। क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। झुमका है हर तरफ को जो है बादला जरी, पोशाक से झलकते हैं सब तन जरी जरी। गुलरू चमकते फिरते हैं जुमा हो मुश्तरी, है सब की ईद ईद की दिल में खुशी भरी। क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। आते हैं घर से अपने जो बन बन के कजकुला, सहने चमन है जितनी है सब सहने ईदगाह। छाती से लिपटे जाते हैं हंस हंस के खामखा, दिल बाग सबके होते हैं फरहत से वाहवा। क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। कुछ भीड़ सी है भीड़ के बेहद बेशुमार, खलकत के ठट हैं बंदे हर तरफ हजार। हाथी व घोड़े बैलो रथ व ऊँट की कतार, गुलशोर बाले भूल खिलौनों की है पुकार। क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। करते हैं वसल शहर के सब खुर्द और कबीर, अदना गरीब अमीर से ले चाहता वजीर। हर दम गले लिपट के मेरे यार दिल पजीर, हंस हंस के मुझसे कहता है यूं क्यों मियां नज़ीर।
क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। आइए अब इस नज़्म का हम जो है मतलब समझते हैं। है धूम आज मदरसा व खानकाह में, तांते बंधे हैं मस्जिदें जामा की राह में, गुलशन से खिल रहे हैं हर एक कज कुलाह में, सौ सौ चमन चमकते हैं एक एक निगाह में, क्या क्या मज़े हैं आज ईदगाह में। इस नज़्म में शायर ने ईद के दिन की चहल पहल, रौनक और खुशियों भरे माहौल की बड़े खूबसूरत अंदाज में मंजरकशी की है। वो कहता है कि लोग मदरसों, खानकाहों और मस्जिदों से ईदगाह की जानिब रवा दवा हैं। झुमकाए हैं हर तरफ को जो है बादला जरी, पोशाक से झलकते हैं सब तन जरी जरी, गुलरू चमकते फिरते हैं जुमा मुश्तरी, है सबकी ईद ईद की दिल में खुशी भरी, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। सरों पर तिरछी टोपियां हैं और आंखों में ईद की खुशियां, जर्क भर के लिबास जेबतन किए वो ईदगाह जा रहे हैं, हर कोई हशाश बशाश दिखाई दे रहा है। आते हैं घर से अपने जो बन बन के कजकुला, सहने चमन है जितनी हैं सब सहने ईदगाह, छाती से लिपट जाते हैं हंस हंस के ख्वामखा, दिल बाग सबके होते हैं फरहत से वाह वाह, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। एक दूसरे से सभी जो है गले मिल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। कुछ भीड़ सी है भीड़ के बेहद दो बेशुमार, खलकत के ठट है बंधे हर तरफ हज़ार, हाथी व घोड़े बैल और रथ व ऊँट की कतार, गुल शोर वाले भूले खिलौनों की है पुकार, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। हर तरफ भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, खिलौने वाले बच्चे बालों को आवाज़ें दे दे कर खिलौने बेच रहे हैं, करते हैं वसल शहर के सब खुर्द और कबीर, अदना गरीब अमीर से ले शाहता वजीर, हर दम गले लिपट के मेरे यार दिल पजीर, हंस हंस के मुझसे कहता है क्यों मियां नज़ीर, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। ये मेल मिलाप और मिलन का त्यौहार है, अमीर गरीब अदना आला सभी एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं, ऊंच नीच के फ़र्क को भुलाकर हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है। गर्ज ये कि आज ईद का दिन है और लोग इस दिन से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अल्फाज के मानी दिए गए हैं, ये अल्फाज के मानी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। खानकाह, दरवेशों के रहने की जगह, तांता बंधना लोगों का लगातार आना जाना, कज टेढ़ा, कुलाह टोपी, कज कुलाह टेढ़ी टोपी पहनने वाला, झमकना चमकना, बादला सोने चांदी का तार, जरी सोने चांदी का तार जिससे गोटा बनाया जाता है सुनहरे तार, जरी जरा जरा, जरी जरी जरा जरा, गुलरू फूल जैसे चेहरे वाला, ठट के ठट बहुत भीड़, बाले बच्चे, खलकत लोग मखलूक, वस्ल मुलाकात, खुर्द छोटा, कबीर बड़ा, दिल पजीर दिल को लुभाने वाला। तो ये अल्फाज मानी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। उसी तरह से यहाँ पर एक जुमले के जो है सवालात दिए गए हैं, ये इनके जवाबात आपको ऊपर नज़्म में आसानी से मिल जाएंगे। पहला सवाल है, हमारे मुल्क की तहजीब क्या कहलाती है? हमारे मुल्क की तहजीब गंगा जमनी तहजीब कहलाती है। नंबर दो, नज़ीर की मशहूर नज़मों के नाम लिखिए। नज़ीर की मशहूर नज़में कौन सी हैं? रोटी की फ़िलासफ़ी, बंजारा नामा, आदमी नामा, कलजू वगैरह नज़ीर की मशहूर नज़में हैं। नंबर तीन, खानकाह और मदरसों में धूम क्यों हैं? ईद का दिन है और हर कोई ईदगाह जाने की तैयारियों में लगा हुआ है, इसीलिए खानकाह और मदरसों में धूम है। शायर ने जामा मस्जिद की राह का क्या हाल बताया है? जामा मस्जिद की राह में लोगों के तांते बंधे हैं। नंबर पाँच, लोगों ने कैसी पोशाकें पहनी हैं? लोगों ने जर्क बर्क की ऐसी पोशाकें पहनी हैं जिनसे ज़रा ज़रा जिस्म झलकते हैं। इसके बाद है सवाल नंबर छः, गुलरू किसकी तरह चमकते हैं? गुलरू महा मुश्तरी की तरह चमकते हैं। नंबर सात, ईदगाह के सहन को शायर ने क्या कहा है?
ईदगाह के सहन को शायर ने सहन चमन कहा है। नंबर 8, शायर का दोस्त हंस हंस कर उसे क्या कहता है। शायर का दोस्त हंस हंस कर उसे कहता है कि क्यों मियां नज़ीर, आज ईदगाह में ईद के क्या क्या मज़े हैं। तो ये बहुत ही आसान है बेटे, आप आसानी से जो है उसमें से ढूंढकर, नज़म में से ढूंढकर लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ मुख्तसर सवाल दिए गए हैं। नंबर 1, नज़ीर को अवामी शायर क्यों कहा जाता है। नंबर 2, नज़म में किन बातों से जाहिर होता है कि लोगों के दिल ईद की खुशी से भरे हैं। उसी तरह नंबर 3 है, लोग एक दूसरे से किस तरह मिल रहे हैं। तो ये सवालात के जवाब जो हैं आसानी से आपको इस नज़म में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई मुश्किल जाती है तो आप टीचर से फ़ोन पर रब्ता कायम कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ तलाश जस्तजु दिया गया है। नज़म से दो ऐसे रोज़मर्रा के अल्फाज तलाश करके लिखे जिनके मानी हुजूम या भीड़ होते हैं। नंबर 2, इस नज़म से ऐसे अल्फाज या फ़िक्रे तलाश करके लिखे जो खुशी की कैफियत का इजहार करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है वसत मेरे बयान की। दर्ज ज़ैल अशार का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। हमने यहाँ पर आपको इस नज़म का मतलब समझा है, उसी में से आपको इसका मतलब लिखना है। कुछ भीड़ सी है भीड़ के बेहद व बेशुमार, खलकत के ठट हैं बंदे हर तरफ हजार। हाथी व घोड़े बैल और रथ व ऊँट की कतार, गुलशोर वाले भूले खिलौनों की है पुकार। तो ये आपको यहाँ से ढूंढ कर जो है लिखना है। उसी तरह से यहाँ पर जो है खाके की मदद से मज़मून मुकम्मल कीजिए, उसे मुनासिब उनवान दीजिए। आपको ये दिवाली के त्यौहार पर यहाँ पर मज़मून लिखना है इन पॉइंट्स की मदद से। यहाँ पर कुछ नुकात दिए गए हैं, उसकी मदद से लिखना है। उसी तरह से यहाँ पर लफ्ज़ों का खेल दिया गया है। लफ्ज़ मुश्तरी से ऐसे अल्फाज बनाइए जो ज़ैल में दिए हुए लफ्ज़ों के हम मानी हों। मिसाल के तौर पर मुट्ठी मुश्त, यहाँ पर दिया है गीला 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 कैसे बनेगा तर, खट्टा तुर्श, दूध शीर, रिवायत रीत। इसके बाद है लुगत का इस्तेमाल कीजिए, ज़ैल के अल्फाज के मानी लुगत में तलाश करके लिखना है आपको। गुले रुख, गुलकन, गुलनार, गुलची, गुलचांदनी, गुलसिता। तो ये आपको यहाँ पर ये जो है एक्सरसाइज, ये जो सरगर्मी दी गई है इसको हल करके अपनी बुक में लाना है। उसी तरह से इबारत आमोजी दी गई है, इसको आपको पढ़ना है, इसका मुताला करना है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए जज़ाकल्ला शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।